प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक ये कबीर परमेश्वर जी हैं। हम सभी आत्माओं के ये जनक हैं, ये हमारे पिता हैं, परम पिता हैं। मनुष्य जीवन परमेश्वर ने आत्म कल्याण के लिए ही दिया है, लेकिन हम आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित होने के कारण हमने मनुष्य जीवन का उद्देश्य कुछ अन्य ही मान रखा था। सत्संग में आने से परमेश्वर कबीर जी के विचारों से परिचित होने से तत्व ज्ञान की रोशनी में हमें ये दिखाई देने लगा कि मनुष्य जीवन का कार्य एक बहुत ही अनमोल था। जो हमने किया नहीं, कोशिश हम कर रहे थे तो वो शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे, जिसका कोई लाभ नहीं था। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत ही आसान है। ये विश्वास होना कि जो साधना हम कर रहे हैं ये ठीक है या नहीं, ये विश्वास होना कि जिसको हम इष्ट रूप में मान रहे हैं ये समर्थ है या नहीं, ये विश्वास होना अनिवार्य है। फिर तो बहुत ही आसान है परमात्मा को पाना। जैसे आज सत्संग में आपको सुनाया था श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक बताया गया है कि कोई देवताओं की पूजा करते हैं, कोई हठ योग करते हैं, कोई केवल योगासन करते हैं, कोई प्राणायाम ही करके अपना मोक्ष मानते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, केवल इसी से कल्याण मानते हैं, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखते हैं, जैसे मुंह के पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमना के कोई जीव हिंसा ना हो जाए, इसी से मोक्ष मानते हैं, कोई स्वाध्याय ही करके अपना कल्याण समझता है। अब परमेश्वर ने आकर के अपने मुख कमल से बोली अमृतवाणी में ये विस्तार के साथ बताई कि जो साधनाएं आप जी कर रहे हो ये शास्त्र विरुद्ध है, ये साधनाएं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। कारण क्या रहा कि काल भगवान ने अपनी सूझबूझ से सभी प्राणियों को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने आचरण पर आधारित कर दिया और तत्व ज्ञान छुपा करके अज्ञान भर दिया, उस परमेश्वर का नाम और निशान मिटा दिया। इसलिए परमात्मा अपनी जानकारी देने के लिए स्वयं ही आते हैं। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना है, उसके बाद तो सिंपल सी बात है, हमें ये पता चल जाएगा कि किन किन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्त हुआ, उनकी वे ऑफ वर्शिप कौन सी थी, तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि हम भी उन्हीं की तरह साधना करें तो हमारा कल्याण संभव है। पुण्यात्मा, परमात्मा की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी? जो बहुत बड़े मंडलेश्वर कहलाते थे
अपना एक विशेष ज्ञान जानते थे, बताते थे। वो कहते थे कि हम वेदों के अतिरिक्त किसी भी सदग्रंथ को सत्य नहीं मानते, वेदों में सत्य ज्ञान है। बिल्कुल सही है। और वो स्वयं वेदों से परिचित नहीं थे कि ये पवित्र वेद हमें क्या जानकारी देते हैं। इनमें परमात्मा का बाय नेम परिचय है, नाम सहित परिचय है। परमात्मा कैसी लीला करते हैं और वो जानकारी भी वेदों में है, संक्षिप्त में है, कोड वर्डों में है। और सूक्ष्म वेद में जो पांचवा वेद है, सचिदानंद घनब्रह्म की वाणी, उसमें परमेश्वर की लीला, परमेश्वर की महिमा बहुत विस्तार के साथ है। तो पहले हम वेदों से आपको प्रमाणित करेंगे कि कौन है परमात्मा और वो कैसी लीला करता है, तो फिर हमें विश्वास हो जाएगा कि सचमुच यही भगवान है। जब वेदों में लिखा है कि परमात्मा ऐसी लीलाएं करता है और उसका ये नाम है, और फिर उन संतों जिनको वो मिले उनकी वाणी में फिर वही ज्ञान है जो वेद बताते हैं, तो परमात्मा को पहचानना बहुत ही आसान बन जाता है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 1-2-3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16-20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8-9 में, और भी अनेक स्थानों पर परमात्मा के विषय में जानकारी दी है, परमेश्वर के विषय में जानकारी बताई है। वो कैसी लीला करता है, उनका नाम क्या है। तो पुण्यात्मा जो वेदों में लिखा है तो हमें सत मानना पड़ेगा। अभी तक तो हम कोई कुछ भी बता रहा था, हम उसी को भगवान मान लेते थे, उसी संत के वचनों को सत मानते थे। जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण बताता है और शास्त्रों के सदग्रंथों के विरुद्ध जो ज्ञान देता है वो टीचर ठीक नहीं। पुण्यात्माओं, आप जी आध्यात्मिक विद्यार्थी हैं, आध्यात्मिक विद्यालय के, और गुरुजन जो होते हैं वो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, स्पिरिचुअल टीचर। अब टीचर कहाँ से पढ़ाता है, सिलेबस से। सिलेबस की बुक होती हैं, सर्टिफाइड बुक होती हैं, उन पुस्तकों से जो पढ़ाता है तो वो टीचर सही है। उन पुस्तकों के बारे में जिसको जानकारी नहीं है सिलेबस की और आउट ऑफ सिलेबस सब विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, तो वो टीचर जीवन नाशक है, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो अब हम स्वयं देखेंगे कि किसने आज तक हमें सत्य ज्ञान दिया और किसने नहीं दिया। अब परमात्मा ने स्वयं आकर के ये जानकारी दी है, और यही सदग्रंथ बताते हैं, वो स्वयं ही आकर अपने विषय में सत्य जानकारी देता है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही ठीक ठीक बताता है। अब आपके रूबरू कराते हैं कि परमात्मा कैसी लीला करता है, फिर आपको सुनाते हैं कि वो कौन है वो परमात्मा जिसने ऐसी लीला की है। आपके रूबरू
वेद दिखाते हैं, वेद करते हैं, पवित्र वेदों को दिखाते हैं और पुण्यात्मा यदि ये दास अपने हिसाब से अनुवाद कर देता और आपको बताता, आप फिर, क्योंकि बच्चे तो अपने टीचर पे, अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास किया करते हैं, हमारे गुरुजी जो कह रहे हैं वो सत्य है, और ऐसे ही अभी तक होता आया, क्योंकि हमने उन अज्ञानी तत्वज्ञानहीन संतों को भी यथार्थ ज्ञान युक्त मान लिया, उनके ज्ञान को अज्ञान को हमने सही माना, उन पर विश्वास करते रहे। ये एक स्वभाव है एक श्रद्धालु का, एक अच्छे श्रद्धालु का स्वभाव है कि वो ब्लाइंड फेथ करता है, और उस ब्लाइंड फेथ का दुरुपयोग किया है नकली गुरुओं ने। अब इसलिए यदि ये दास आपको अनुवाद करके दे देता वेदों का, कोई बड़ी बात नहीं, वेद तो एक बहुत ही आसान है, क्योंकि हमारे पास वो मास्टर की है, कौन सी, वो सृष्टि रचना। सृष्टि रचना का जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा कि किसने ये क्रिएट किया, ये वर्ल्ड किसने रची, संसार, और कैसे रचा, वो परमेश्वर ने आके बताया, कबीर जी ने, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने, और उनके सूक्ष्म वेद में लिखा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। तो सृष्टि रचना को जब दास ने गहराई से पढ़ा, देखा, सुना और फिर सदग्रंथों से मेल किया, तो अपने आप खुलते चले गए, ये ग्रंथ कोई दिक्कत नहीं आई। अब जैसे रामायण, रामायण की कथा तो पवित्र हिंदू समाज ने, सब ने पता है, उंगलियों पर अट रखी है, और रामायण की चौपाइयां में भी उसका वर्णन है। अब चौपाइयां तो किसी महापुरुष ने, जैसे तुलसीदास जी ने बोल दी अपनी, जो का तो वर्णन चौपाइयों में लिख दिया, दोहों में, लोकोक्तियों में, लेकिन यदि इस रामायण का मौखिक ज्ञान ना हो किसी को कि रामचंद्र जी कौन थे, दशरथ कौन थे, सीता कौन थी, रावण के था, विभीषण कौन था, बल्ली कौन था, तो ये ज्ञान ना हो वर्बली कैसे घटना घटी थी, और उसके सामने उस व्यक्ति ने, चाहे हिंदी आती हो, संस्कृत भी आती हो, और रामायण की मौखिक ज्ञान ना हो, कहानी का ज्ञान ना हो, तो उन चौपाइयों का अनुवाद ऊट पटांग करेगा वो। रावण का अर्थ लिखेगा रुआने वाला, सीता का अर्थ लिखेगा वो खूड, क्योंकि सीता का अर्थ है संस्कृत में हल से खींची हुई रेखा, तो वो कोई अनुवाद करेगा। ऐसा ही अनुवाद इन्होंने किया, लेकिन परमात्मा ने कुछ दया बख्शी, ये जो जो वेददास आपको दिखाने जा रहा है, ये उन उस ग्रुप के हैं, ये उस पंथ के हैं जो भगवान को निराकार मानते हैं, और उन्होंने अनुवाद किया, परमात्मा ने उनकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए, उन्होंने ठीक अनुवाद कर दिया कुछ एक श्लोकों का, और वो करवाया भगवान ने, ना तड़ंगा करने का ठेका ले रहे थे, ये तो पता नहीं के का के अनुवाद कर रहे थे। अपने आत्माओं, यदि ये दास अनुवाद करके आपको दे देता और आप फिर दिखाते किसी अन्य को, स्वाभाविक है कि हम अपने ज्ञान का दूसरे को बताएं कि ये सच्चाई है, तो वो ये कह करके आपको भ्रमित कर सकते थे कि रामपाल तो संस्कृत भाषा को नहीं जानता, वो अनुवाद कैसे कर सकता है, आपका नहीं विश्वास हुआ हो तो किसी और का जरूर हो जाओ, दो साथ में बैठ कर सुन रहा था कि भाई हाँ सचमुच ये तो संस्कृत के विद्वान ही वेदों का अर्थ कर सकते हैं, रामपाल तो एक संस्कृत भाषा नहीं जानता। तो यही यही जो पहले समस्या आई थी जब स्वयं परमेश्वर कबीर देव जी आए थे 600 वर्ष पहले, परमात्मा यह सच्चाई बता करते, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, कि मैं ही और गरीब दास खालिक दनी हमरा नाम कबीर,
जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लाखों वर्ष पहले की बीती हुई रामायण को एज इट इज श्लोकों में दोहों में लिख दिया जो आज हमें मान्य है, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने परमात्मा से परिचित होकर के उनसे प्राप्त दिव्य दृष्टि से हजारों वर्ष पहले लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पहले की जो घटनाएं थी अपनी वाणी में लिपिबद्ध करवा दी जो आज हमारे पास उपलब्ध है। और वो परमात्मा की महिमा सदग्रंथों में उपलब्ध है, वेदों में। तो इसलिए परमेश्वर की असीम रजा अपने ऊपर कि इन निराकार मानने वालों के कर कमलों से ही लिखवा दिया कि भगवान साकार है, एक स्थान पर रहता है, वहाँ से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है। ये मालिक की कृपा है, कबीर परमेश्वर की आपके ऊपर विशेष रजा है, अन्यथा ये दास कुछ बताता तो विश्वास कम होता, क्योंकि भगवान ने आके स्वयं कहा था 600 वर्ष पहले कि हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालक धनी, हमारा नाम कबीर। जैसे तुलसीदास की वैसे छाप लगती है, तो गरीब दास जी कह रहे हैं कबीर साहब ये बताया करते हम ही खालक धनी, पूरे संसार के हम कुल मालिक हैं और मेरा नाम कबीर। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 आपको दिखाते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 से इकट्ठे ही जल्द हैं, अनुवादित हैं, ये देखिएगा। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली, ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। ये झूठे भी नहीं रहे थे, इन्होंने लिखा है कि महर्षि दानंद सरस्वती कृत, यानी महर्षि दानंद ने इसका अनुवाद किया, इनका कहना, लेकिन ये इन्होंने झूठ लिखा है। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली, फोन नंबर इतने रहते। अब इन झूठों की थोड़ी सी झूठ और दिखाते हैं। इन्होंने जो ये लिखा है कि ये महर्षि दानंद के द्वारा अनुवादित है 9-10 मंडल, ऐसा नहीं है। ये दानंद का नाम इसलिए लिखा करते थे कि इसके नाम से ये वेद इनके बिक जाया करते हैं, और श्रद्धालु ये देख कर के किसके अनुवादित हैं, अनुवादकर्ता कौन है, महर्षि दानंद है, तो आँख मीच के ले जाया करते। दानंद अगर अनुवाद करता तो इसका उड़ंगा कर जाता, वो तो कति भट्ठा बठाने का ठेका ले रहा था। अब देखिएगा इस पे स्पष्ट किया है, यह एक ऋग्वेद का भाषा भाष्य है। ऋग्वेद भाष्यम महर्षि दानंद सरस्वती संपादक दानंद अर्पण विश्व मानव परिषद पंजीकृत 46/5 सामुदायिक केंद्र पूर्वी कैलाश नई दिल्ली, ऐसे ऐसे। और ये कहाँ से छपी है? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है महर्षि दानंद। दानंद का मानना है कि वेद में जो लिखा वो सत्य है, ठीक है। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक विश्व मानव उत्थान परिषद पंजीकृत, ये तो आपने पढ़ लिया। मुद्रक हैं कंपू डाटा सर्विसेज नई दिल्ली, ऐसे ऐसे। अब इसकी जिल्द पर इन्होंने लिखा है, देखना यह भाष्यकार कौन है इस ऋग्वेद के, कौन कौन है? महर्षि दानंद सरस्वती मंडल 1-6, बस महर्षि दानंद जी ने तो मंडल 1-6 मंडल का अनुवाद किया था, फिर इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद किसी ने किया श्रीपाद दामोदर 7-10 मंडल, और इन्होंने जब 9-10 पर ये लिखा है कि महर्षि दानंद कृत, अभी आपको फिर दिखाएंगे वही ऋग्वेद जो 9-10 मंडल है, ये सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली से प्रकाशित है। तो इन्होंने झूठा लिखा है इसके ऊपर कि ये महर्षि दानंद ने अनुवाद किया, नहीं, इसके अनुवादकर्ता ये आपको दिखा दिए श्रीपाद दामोदर 7-10, इन्होंने 7-10 मंडल तक 7-8-9-10 4 मंडल का अनुवाद उन्होंने किया, दानंद जी ने तो केवल 1-6 तक रखे। ये देखिए
इन्होंने इस पर महर्षि दयानंद की फीत ला दी कि इसके नाम तो ये व्यक्त क्या करता, ना तो व्यक्त ना हो उनका। ये वही है जो अभी आपको दिखाया, और ये लिख दिया महर्षि दयानंद सरस्वती कृत आर्य भाषा भाषे, अनुवाद कहें दयानंद ने कराया। अब हम अपने काम की बात पर आते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 86 का, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 और इसका मंत्र 26। इसमें क्या कहा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए पदार्थ है, इनका अर्थ किया इन्होंने, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, इसका अर्थ है जो धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके सब विघ्न नाश करता है, संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, ये लिखा इन्होंने। देखो ये है कबीर, हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर। इन्होंने इसके दो हिस्से कर दिए, यू कवि बना दिया, कवि ही, इसको हम कबीर भी बोल सकते हैं, र लिख के नीचे हलंत लगा सकते हैं तो कबीर भी लिख सकते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, क्योंकि ये परमात्मा की महिमा की जानकारी है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा यानी भक्तों के लिए भगवान सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यह लिखना था, जो नाम लिखना था वो कबीर देव कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने अच्छे श्रेष्ठ अच्छी आत्मा को मिलता है। अब यहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि अनुवादकर्ता ने, अब देखो इन्होंने कोशिश तो बहुत की है छुपाने की लेकिन परमात्मा ने फिर भी सच्चाई लिखवा दी। यहाँ इन्होंने कबीर का अर्थ लिख दिया सर्वज्ञ, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। जैसे कहीं यजु लिखा यजु, तो भी उस यजुर्वेद की जहाँ महिमा गाई जा रही होगी और वहाँ केवल यजु या यजुम लिखा है तो अनुवादकर्ता का फर्ज बनता है वो लिखेगा कि यजुर्वेद के विषय में जानकारी है। तो ऐसे देखिएगा दयानंद ने किया है, इसमें ये है यजुर्वेद, ये है दयानंद कृत, इसका पूरे का पूरा अनुवाद महर्षि दयानंद ने किया है। प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से दूरभाष है सर। हाँ ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत ये सही है, 40 के 40 अध्याय इसने ही अनुवाद किया, यानी डेढ़ वेद का अनुवाद किया इसने चारों में से। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके 36 अध्याय में ये है 6300 अध्याय यानी 36वां अध्याय आरंभ, इसके प्रथम ही मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु। जिन्होंने कवि कवि लिखा है ना उन्होंने, तो ये यजु समझ लो यजु। तो इसका अनुवाद स्वामी जी ने यहाँ कराया है, देखिएगा। तो यहाँ केवल यजु था तो यजु ही ब्रैकेट में लिख करके आगे उसने लिख दिया यजुर्वेद, बिल्कुल ठीक किया। यदि यहाँ कवि होता कबीर हमने लिखना पड़ता कबीर देव, यदि इनकी बुद्धि काम कर रही होती। अब यदि हम यजु का यहाँ कोई और ही अर्थ कर दें यज्ञ सतुतियाँ यज्ञ योग्य सामग्री, तो फिर इस यजुर्वेद की महिमा कैसे समझ में आओगी कि वो यजुर्वेद है जिसमें ये जो कुछ लिखा है वो यजुर्वेद में है।
तो इसी प्रकार यहाँ जैसे यजु है तो यजुर्वेद लिखा, तो हमने इसको जहाँ कवि है वो कबीर देव लिखना पड़ेगा। अब हम आते हैं पुनः उसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के, ये वही हमने ऋग्वेद फिर ले लिया, ये वही ऋग्वेद है जो अभी आपको दिखाया था, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा से प्रकाशित है। अब हम इसको फिर लेते हैं, यजुर्वेद हमने रख दिया। अब यहाँ देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 फिर पढ़ेंगे। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, जब उसका रूप है तो निराकार की तरह, सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यहाँ लिखना था कबीर देव, यहाँ इन्होंने कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, कबीर कबीर देव लिखना था, यहाँ हम उसको कबीर साहब कहने लगे, जैसे इसमें है कबीर तो हम इसको कबीर बोलते हैं, वह को हम वह बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, इस कारण से वो हमारे हिसाब से कबीर है और वेदों में कबीर लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे किसी का वेद प्रकाश नाम है हम उसको वेद प्रकाश कहते हैं, आदमी वही है, इतना सा ध्यान रखें बस, व्यक्ति वही है। वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष यानी श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त होता है, अच्छी आत्मा को आगे मिलता है। अब देखिए, और वो कहाँ रहता है, 27 में है, जो परमात्मा धूलोक के, धूलोक मनुष्य तेजो में सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यानी एक स्थान पर बैठा है वो भगवान अपने आत्माओं, जिसके ये अनुवाद करता है, जिस ग्रुप के यानी आर्य समाज के, आर्य समाज प्रवर्तक महर्षि दयानंद का अपना सिद्धांत साथ में थोड़ा सा दिखाते हैं, वो भगवान को कैसा बताते हैं देखिएगा। उनके द्वारा अपने अनुभव की रची हुई पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, इसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, और ये है महर्षि दयानंद सरस्वती, और ये देखिएगा इनका जीवन काल है सन 1824 से सन 1883 तक, 69 साल रहे ये, 59 ईयर। अब ये है सत्यार्थ प्रकाश, इसके विषय में क्या लिखा है दयानंद ने कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण और संविनत है, किसने कि इस ये जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई है, वेद आदि विविध सद ग्रंथों के प्रमाणों से ली गई है, और किसने की है, श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी भी रचित है। देख कहाँ से इनकी उपमा लिखन लगे थे, श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद, नाम इसका दयानंद है, आगे कितनी फीत और पाछे सरस्वती स्वामी भी रचित है, और इसने लिखा के ये देख लेना, प्रकाशक है वैदिक यति मंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से, और इसके कौन है प्रकाशक, प्रकाशक तो ये पढ़ लिया अपन, ये कहाँ से छपा है, मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से, इसके सातवें समोल्लास में परमात्मा कैसा है, यह है सातवां सप्तम समोल्लास और सत्यार्थ प्रकाश इसके प्रश्न नंबर 154 पर किसी ने प्रश्न किया कि ईश्वर साकार है व निराकार, स्वामी जी ने उत्तर दिया निराकार,
ठीक, जिसका कोई आकार नहीं होता। अब यहाँ 155 पर देखें, किसी ने प्रश्न किया परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए वा नहीं, अब उत्तर कहते करनी चाहिए, फिर प्रश्नकर्ता कहता है क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा, स्वामी जी उत्तर देते नहीं, तो प्रश्नकर्ता कहता है यदि भगवान पाप नहीं नाश कर सकता तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना, किस लिए करें, स्वामी जी उत्तर देते हैं दयानंद जी कि उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता फिर क्या फल है, उत्तर महर्षि दयानंद दे रहा है कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपना गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निराभिमानता उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। देख इसकी अकल, यहाँ तो कह रहा है भगवान निराकार है, कति दिखाई नहीं दे, दे बिल्कुल निराकार करता बिल्कुल दिखे नहीं कभी भी, और यहाँ कहता है कति सामने के उपासना करने से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाता है। साक्षात्कार माने साकार वस्तु को देखना अपने आत्माओं, ये थे वो नकली महर्षि। अब महर्षि तो इसके नाम का साथ लगाना हमारे लिए अनिवार्य हो गया, मजबूरी होगी। यदि हम सीधा कहें दयानंद ने ऐसा लिखा तो इन्हें सोचें कोई और दयानंद होगा, उसके विषय में चर्चा हो रही है ना, तो महर्षि कहन का कोनी, इसके आगे पीछे कुछ भी लान का कोना यूँ, लेकिन हमारी मजबूरी होगी जनता में इसके अज्ञान को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि इसे इसे महर्षि यानी बठा बठा रखा है, इसलिए महर्षि कहना पड़ा, यूँ कहना पड़ता है और लिखना भी पड़ता है जहाँ इसके विषय में जानकारी देते हैं। तो हम फिर आते हैं उसी पर, और ये जो अनुवाद करता है ये इस महर्षि दयानंद के चेले हैं सारे, और अपने आप परमात्मा ने इससे भी सच्चाई लिखवा दी कि उसका साक्षात्कार होता है। ग्रंथ तो ठीक कहते हैं साक्षात्कार होगा, ये निराकार का साक्षात्कार करेगा कैसे, तो अपनी ही सच्चाई अपने ही अज्ञान को ये स्वयं ही जुठला रहा है, और वेद इसके विषय में सच्चाई बता ही रहे हैं कि वो एक एक देश में रहता है, एक एक स्थान पर रहता है, और इस दयानंद का विधान है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है, वो किसी एक स्थान पर नहीं रहता, वो एक देशीय नहीं है, और वेद कहते हो तो एक स्थान पर रहता ऊपर और वहां से गति करके आता है। अब देखो फिर हम फिर वो ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 आपको दिखाते हैं, ये वही 9-10 मंडल है, इसके प्रकाशक हैं वही सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, ये वही है। अब हम इसके मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 हमने पढ़ लिया कि वो परमात्मा कबीर देव यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, इन्हें सर्वज्ञ लिख दिया, ये लिखना था कबीर देव विद्युत के समान, यानी जैसे आकाशीय बिजली एक सेकंड में नीचे आ जाती है, क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष यानी अच्छी आत्मा श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त होता है, और वो कहाँ रहता है 27वें मंत्र में कहा है जो परमात्मा द्यूलोक के और तीसरे पृष्ठ पर रहता है विराजमान है। ठीक, ये हो गया कि एक स्थान पर है और वहाँ से चलकर आता है। अब 82 के ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 82 का और मंत्र नंबर 1, यू एक मंत्र है जो सर्व उत्पादक प्रभु प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला पापों के हरण करने वाला है,
वह राजा के समान, राजा राजीव। अब ये देखिएगा 269 पर हमने पढ़ा, 270 पर इसका आगे शेष अनुवाद है। कोई नोना सोचा कोई और पृष्ठ दिखा दिया होगा, 270 पर आ गया हम। राजा के उधर देख लिया, राजा के समान दर्शन यह है, देखण जोगा साकार है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, यानी श्रेष्ठ, वर्णीय माने आदरणीय, श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा, अच्छे व्यक्ति को जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उसको मिलता है आके। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसका आगे देखिएगा। और वो किस उद्देश्य से आता है वहां से गति करके, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र नंबर 1 हमने पढ़ लिया। अब दूसरा आपके रूबरू कराते हैं, इसमें क्या लिखा है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से, यानी तत्व ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, इन्होंने सर्वज्ञ लिख दिया, अनुवाद कर दिया। आप कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके सोम, हे सोम यानी हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। अपने आत्माओं, पवित्र वेद ये प्रमाणित कर रहे हैं कि कबीर देव नाम है उस परमेश्वर का, हम उसको कबीर साहब कहें। देव माने प्रभु भी होता है, प्रभु परमात्मा परमेश्वर, वो ऊपर सतलोक में रहता है और वहाँ से गति करके वहाँ से चलकर आता है। जैसे बिजली की तरह आकाशीय बिजली गिरती है कहीं पर, तो वो किसी वस्तु को आधार बना के गिरती है। जैसे पहले कांसी धातु, कांसी धातु के बेले, थाली, कटोरे हुआ करते, जैसे आजकल स्टील के हो गए, पहले कांसी धातु के होते थे। और कांसी धातु पर आकाशीय बिजली विशेष अमूमन गिरा करती, जब वर्षा के दिनों में बाहर होता तो उससे उसका कनेक्शन बन जाता, उसको आधार बना के उस पर आके बिजली गिरी। तो ऐसे ही कहते हैं, अपने जिन भक्तों के प्रति परमात्मा, अच्छी आत्माओं के प्रति परमात्मा का विशेष अट्रैक्शन होता है, उसी उन्हीं पर आकर वो परमात्मा बिजली की जैसी गति से उन्हीं पर आधार बना के उन्हीं को मिलते हैं और वहाँ से चल कर आते हैं। और वो राजा के समान देखने योग्य हैं, दर्शनीय हैं, साकार हैं। और दिखाते हैं आपको, अब वो किस उद्देश्य से आते हैं। उपदेश करने की इच्छा से, वो तत्व ज्ञान सुनाने की इच्छा से। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से और 30 तक, 31 तक तो लिखा, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी करता है, और सभी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, यानी पापनाशक मीन मोक्षदायक, पाप कटे तो मोक्ष होगा। फिर चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो सभी ज्ञान विस्तार से कहा गया है, यज्ञों की जानकारी। अब आपको श्रीमद् भगवद गीता दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, आप एक पेट के लिए, एक रोजी रोटी के लिए अपने बच्चों को, बेटे और बेटियों को 14-15-16 वर्ष पढ़ाते हो, किस लिए कि इसका गुजारा चल जाए, रोजगार हो जाए। पढ़ा दिया बच्चा, नौकरी लग गया, नौकरी लगते एक्सीडेंट में मृत्यु होगी, बता के हाथ लग गया हमारे। और ये है वो असली पढ़ाई जो बच्चों को हमने पढ़ानी चाहिए थी। आप आवे साथ में गेल बालकान लावे,
और ये पुस्तक घर पे भी विद्यमान है, सीडी सबके पास उपलब्ध है, सीडी प्लेयर है, डीवीडी ले जा और बैठ कर 2 घंटे बच्चा के साथ बैठा है, अब देखो अमृत बरस रहा। तो इसी प्रकार आप जी ने ये मोक्ष कराना है, आप यहाँ विद्यार्थी बन गए, ये यहाँ पर वो रामायण सुनान वाली कहानी को ना, यहाँ पर यथार्थ ज्ञान दिया जाता है, अमर कथा सुनाई जाती है। और ये जब तक आपके हृदय में नहीं समावेगी तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से हटकर एक परमात्मा के ऊपर परमात्म तत्व के ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी तब तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू साधक बनेगा, तब तो तेरी भक्ति स्टार्ट होगी, तब तो तू योगी बनेगा। जब तक भगत बनेगा, भगत का अर्थ है फिर ब्लाइंड फेथ करके चलेगा उस मार्ग पर, तो सबसे पहले आपको भगत बनाना है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञानों से आपकी बुद्धि हटाकर तत्व ज्ञान पर स्थिर कर लिए, इसके लिए इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है दास को। पुणात्मा ये सारा कुछ जो खेल मालिक ने किया है विज्ञान का और ये अक्षर ज्ञान का, आज विश्व के कोने कोने में बच्चा सब शिक्षित है, भारतवर्ष भी शिक्षित है, सभी 99% के आसपास सभी शिक्षित हो गए, का था को बूढ़ा ठेरा रह गया, जो मैं कानना इतना सुनता हो वो तो वैसे गए शिक्षित हो, नहीं तो सब ने अक्षर ज्ञान जरूर हो गया, प्रौढ़ शिक्षा तक भी चलवा दी परमात्मा ने और फिर ये इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए। यदि ये इंस्ट्रूमेंट ना होते तो आपको हम कितना ही लिख कर देते पुस्तक में, आप नहीं समझ सकते और आपको अक्षर ज्ञान नहीं होता। अब अक्षर ज्ञान और साथ में इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्टर सीडी और पुस्तक आपके पास भी है, आप फिर कंपेयर कर सकते हो। तो अब ऐसा जतजा गया जैसे बिल्कुल फाइनल हो जाएगा कि कबीर इज गॉड और यही पूजा है बस, फिर तो हम भगत बन गए और भगत बने बिना भक्ति होनी, तो आपको भगत बनाया जा रहा है यहाँ बुला करके। यहाँ आने से बहुत सा रिहर्सल होता है, एक तो जैसे आप यहाँ आकर बैठ जाते हो किस प्रकार, क्योंकि आप हंस हो, पुण्यात्मा हो, नहीं तो इतने आदमी की तक इकट्ठे हो जाओ उदमस्तार दें सांझ तई और अड़े एक हफ्ता तक इनमें बैठे रहे जैसे बिल्कुल देवता बैठे हों, क्यों गए का था तो नया नया वो बेसिक थोड़ी बहुत उछल कूद कर दे बाकी, क्योंकि और फिर यहाँ कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई गाना नहीं, बजाना नहीं, कोई विशेष और नहीं, और फिर भी आप यहाँ तीन तीन चार चार दिन बैठे रहते हो, तो ये भी आपको यहाँ शिक्षा दी जाती है कैसे रहना है, कोई अभाव है उसमें भी संतुष्टि करनी पड़ती है। तो इस तरह आपको भक्त बनाना है और यो ज्ञान सुनाना है। अब देखो श्रीमद् भगवद गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवद गीता और ये यहाँ से शुरू होता 25वां, इसमें क्या लिखा कि दूसरे योगी जन अन्य यानी अप्रेमाने अन्य कुछ बहुत से योगी जन यानी साधक देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, यानी कुछ तो देवताओं की पूजा करते हैं इसका सीधा अर्थ है, और अन्य अप्रेमाने अन्य ब्रह्म अग्नौ यानी ब्रह्म की पूजा करते हैं, इसका सीधा अर्थ ये समझना पर ब्रह्म नहीं ब्रह्म यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन ये 26 है चौथे जाएगा 26 मसल, अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि यदि शब्द सप्रस रूप रसगंध इनके आधार से समस्त विषय इंद्रियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे ये 27 है दूसरे योगीजन इंद्रियों की क्रियाओं को प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि कुछ केवल अपने श्वासों को आता जाता देखते रहते हैं
और इसी को मोक्ष मान। जैसे कुछ ऐसे बताते हैं, एक व्यक्ति बता रहा था कि हमारे गुरुजी एक योगी क्रिया बताते हैं कि तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ और ध्यान रखो श्वास बाहर आ रहा है श्वास अंदर जा रहा है, बस ये ध्यान रखो कि श्वास बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है, ये प्राणों की क्रिया देखते रहो कि यो तुम्हारा ध्यान लगा रहेगा कि सांस बाहर आ गया और अंदर भी ले लिया। बताइए इससे कि यो ना ध्यान लाओगे जब भी आ रहा है और जा रहा है इसका क्या अर्थ होया। तो कहते इस तरह की साधनाएं कर रहे हैं ये लोग। अब देखिएगा अध्याय नंबर 4 का आपने 27 पढ़ दिया, 28 पढ़ाते हैं। अध्याय गीता अध्याय नंबर 4 का आपने 27 पढ़ दिया। जो दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को, यानी श्वास है, श्वास के ऊपर इंद्रियों सारी ज्ञान इंद्रियों को लगा लेते हैं, ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 28 में कई दर्व यज्ञ संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, यानी जैसे कि तो भंडारा करा दिया, कोई मंदिर का लठ गडवा दिया, कि तो कुछ और छोटे मोटा दान कर दिया, तो कहते द्रव यज्ञ करते हैं, बस इसी से अपनी संतुष्टि मान लेते हैं, कि तो गौ धर्मशाला बनवा दी। और फिर तपस्या यज्ञ रूप करने वाले कुछ तप करते हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप हवन करने वाले, वो केवल योग आसन करते हैं, ऊपर न पैर नीचे न सिर कर लिया खड़े रहे, और कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, और कुछ कितने ही तो अहिंसा, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, भाई कोई हिंसा ना हो जाए, जीव ना मर जाए, और कुछ केवल स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान यज्ञ करते हैं। स्वाध्याय माने ज्ञान, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है, स्वाध्याय को ज्ञान यज्ञ कहते हैं करने वाले। 29 में और 30 में कहा है दूसरे कितने योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु, यानी अपने अंदर क्रियाओं से अंदर की वायु को ऊपर नीचे अपना अभ्यास से करते रहते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले हैं, कुछ केवल फल आहार ही करते हैं, बहुत कम आहार करके अपना संयम करते हैं, कुछ प्राणायाम ही करते हैं, प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को श्वासों को प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक योग द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका अर्थ ये है कि ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इनकी जो साधना है ये समझ रहे हैं कि हम ये पाप नाश करने वाली है हमारी साधना। 31 में कहा है हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाला योगी जन सनातन परम ब्रह्म, सनातनम ब्रह्म, सनातन ब्रह्म यानी तत् ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। यज्ञ से बचे हुए यानी धार्मिक शास्त्र अनुकूल साधना करने वाला, इसका अर्थ ये शास्त्र अनुकूल साधना करने वाला व्यक्ति ही उस सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए अयज्ञस्य तो यह मनुष्य लोक भी नहीं सुखदायी नहीं तो परलोक कैसे सुखदायी हो सकता है। यानी 31 में कह दिया जो भक्ति साधना नहीं करते वो तो बिल्कुल सारे विरान मट्टी होगी उनकी तय। अब 32 में कमाल कर दिया है, चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी। ब्रह्मणे मुखे लिख दिया वेद की वाणी में, वेद की वाणी तो ये ब्रह्म बता ही रहा है गीता में, ये लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, मुखे माने उनके मुख कमल से उच्चरित वाणी में। अब ब्रह्मणेकार दिखाते इन्हीं के द्वारा किया हुआ 17वें अध्याय का 23वां श्लोक इसी श्रीमद् भगवत गीता में, ये देखिएगा ये है 17वां अध्याय और 23वां श्लोक, ये 23वां। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है,
ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने किया है, ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म का, यानी परम अक्षर ब्रह्म का। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह तीन प्रकार का त्रिविध है सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, यानी ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य के विषय में कह रहा है। हम फिर आते हैं वापस चौथे अध्याय के, अब फिर 32वें श्लोक में। ये बंदी छोड़, कैसा अनमोल ज्ञान हरि ने किसा बठा बठाए रखा है। एवं बहुविधा यगा वित्तता ब्रह्मणे मुखे, वित्तता माने विस्तार के साथ है, ब्रह्मणे मुखे सचिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उत्तरित अमृतवाणी में कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। अब पढ़िए, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यहाँ लिख देना सचिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की मुखे माने मुख से उच्चरित वाणी, मुख से उनके मुख से उच्चरित वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सब को तू कर्म जान, मन इंद्रिय और कर्म और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा संपन्न होने वाले जान, यानी वो अपने स्वाभाविक कर्म करते करते ही उनको किया जाता है, इसका अर्थ ये बना है। इस प्रकार ज्ञात हुआ, इस प्रकार जानकर, इस प्रकार तत्व से जानकर, उनके अनुष्ठान माने भक्ति क्रिया साधनाओं के से द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। इसका अर्थ है कि तू उनको जानकर विधि एवं ज्ञातवा विमोक्ष से, यानी पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। इस ज्ञान को समझने के बाद तू बिल्कुल उनके उस पर फिर उसमें लिखे अनुसार साधना करने से, अनुष्ठान करने से तो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। फिर इसी ये तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है। अब यहाँ बताया है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, अब उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्वों को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। पुण्यात्मों, हम फिर वहीं आते हैं, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9, और वही आपको फिर दिखाते हैं। श्रीमद् भगवद् गीता हमने रख दी है और ये दानस वाले भक्तों का अनुवाद है। इसमें क्या लिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26-27 और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1-2 में आपने पढ़ लिया कि वो परमात्मा पापनाशक है और ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहाँ से गति करके चल के आता है, अच्छी आत्मा को मिलता है और वो राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा साकार है। और उद्देश्य क्या है उसका आने का, वो उपदेश करता है, तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। अब फिर देखिए एक बार, तो पुण्यात्माओं ये समझ लो आपने अमृत पीना है और जितनी बार पिया जाए उतना ही थोड़ा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 बहुत आसानी से समझ में आओगे आप, और 26 मंत्र यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी साधना करने वाले, वो यज्ञों का जिक्र आ गया ना, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है, हुआ उनके विघ्नों को
मर्दन करता है, उनके सब दुखों का निवारण करता है और उनको पितर करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। अब सतलोक में परमात्मा जहाँ वो एक स्थान पर रहते हैं, एक रोमकूप में, ये एक रोमकूप है, इसमें करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा ये एक रोमकूप की रोशनी है परमात्मा की। ये बाल का छिद्र जो बोलते हैं इसको रोमकूप कहते हैं, तो उसमें इतनी तेज है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो हम उसको देख नहीं सकते। अगर वो न्यू का न्यू यहाँ आ जाते हैं, अपने उस रूप को हल्के तेज पुंज का बना कर आते हैं, यानी मनुष्य हमारे जैसा ही मिलता जुलता सा, लेकिन फिर भी उनका शरीर बहुत अच्छा औरों से निखरा हुआ होता है। तो अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यह लिखना था कबीर देव, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ पहुंचूंगा छिन्न एक में, सन एक, एक क्षण में परमात्मा कहते हैं मैं एक क्षण में आ जाता हूँ। वर्णीय पुरुष को प्राप्त होते हैं और वो परमात्मा अब 27 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 26 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र 26 पढ़ा, आप 27 में देखिए, जो परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वह परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है और वहाँ से गति करके आता है। अब देखना उद्देश्य क्या होता है उसका, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82, सूक्त नंबर 82 का अब हम नीचे आते हैं मंत्र नंबर 1, सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला भगवान, प्रकाश रूप तेजोमय रूप वाला, उसका तेजोमय शरीर है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, पापों को के हरण करने वाला, वह राजीव राजा के समान, ये राजीव राजा के ये 269 पृष्ठ पर, ये 270 पर पढ़ाएंगे आपको, के समान दर्शन ये है, देखने जोगा दर्शनीय माने साकार, और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ उसको प्राप्त होता है, मिलता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बना के प्राप्त होता है, अच्छा यहाँ देखना है। उसका उद्देश्य क्या है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 पर आ गई, हम पहला मंत्र पढ़ दिया, दूसरा और पढ़ाते हैं। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देन आते हो, तत्व ज्ञान की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत तेज चलने वाले पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव हैं। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।